जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पहचाने अगर MLM कंपनीज में कुछ फ्रॉड हो रहा है तो, या कोई MLM कंपनी फ्रॉड है तो किस तरीके से हम बच पाए, किस तरीके से हमारे साथ वो स्कैम होने से बच पाए, तो ऐसे क्या तरीके हैं, ऐसी किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हैं या आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, आपको स्कैम फ्रॉड से बचाने वाली हैं, या मेरी विक्टिम वीडियोस हों या कुछ भी और ऐसी वीडियोस हों जो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो आपको हेल्प मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे क्या पॉइंट्स हैं। जब हम जॉब करने जाते हैं, मान लो हमारे किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया या किसी रिलेटिव ने रेफ़र किया, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम उससे पूछते हैं भाई कंपनी का नाम क्या है। सामने वाला हमें बताता है एक्स वाई जेड, कुछ भी एक कंपनी का नाम हमें बताएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल सर्च करेंगे। हो सकता है हम साथ साथ यूट्यूब भी सर्च करें, किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च करें, बट हमारा काम रहेगा हम उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लें, ताकि इंटरव्यू से पहले हमें पता हो हम कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। हो सकता है उस कंपनीज के कुछ ऐसे कॉन्स हों, कॉन्स मतलब ऐसी कुछ बुराइयाँ हों जो हमारे लायक ना हो। मान लो हमें जॉब करनी है मंडे टू फ्राइडे, ये स्ट्रिक्टली है, ये मुझे मान लो पता है कि मंडे टू फ्राइडे मुझे जॉब करनी है, और वहाँ पे कंपनी के कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स हैं, मंडे टू सैटरडे है, या हो सकता है 7 days वर्किंग हो फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे, तो वो हमारे लिए नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें जो हम रिसर्च कर लें और हमें पहले से पता लग जाए और हम डिसीजन ले सकें, ये एक पर्पस होता है हमारे रिसर्च करने का। MLM कंपनीज में भी यही हमें एटलीस्ट एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए। जब सामने से हमें ऑफर आता है कि मैंने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, कोई बहुत बढ़िया बिजनेस प्लेटफॉर्म, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या बहुत बढ़िया पैसे कमाने की कोई टेक्निक हमें मिली है, ऐसा कुछ अगर हमें बताया जाए, तो उस कंडीशन में ना हम सिर्फ करते हैं ट्रस्ट, हम नहीं पूछते, हमें ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, हम बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते, या करेंगे भी तो सामने से जवाब नहीं मिलता प्रॉपरली कि हम करने क्या जा रहे हैं। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी है, ठीक है, और नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि जो काम पहले से चलता आ रहा है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस 2016 में आई थी सितंबर में, उसके बाद उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट तो किया गया बट स्टेट्स ने अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया। आज भी पुलिस प्रशासन नहीं जानता MLM के बारे में प्रॉपरली, इट्स अ फैक्ट, ये आप खुद प्रूवन कर सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो कि इट्स अ फैक्ट। लॉ में भी, पुलिस में भी बहुत सारे लोग MLM के बारे में नहीं जानते, और मैक्सिमम स्टेट्स में कहीं ना कहीं अथॉरिटी ही नहीं है लोग प्रशासन के पास, तो वो क्या एक्शन लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हम किसी कंपनी में एंट्री करने जा रहे हैं, हम ट्रस्ट बेसिस पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एंट्री करने जा रहे हैं, सबसे पहला हक हमारा बनता है कंपनी का नाम पूछना। जिस टाइम आप कंपनी का नाम पूछ लोगे, वहीं पे आप अपनी प्रॉपरली रिसर्च कर सकते हो। आप रिसर्च करनी कैसे है? ये तो वो कंडीशन हुई जब आपको कंपनी का नाम पता लगा। ऐसी कंडीशन एक आएगी कुछ कंपनीज में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कंपनी का नाम नहीं बताते, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया कमाओगे एंड ऑल, ये सब चलता रहेगा। तो उसकी प्रॉपरली जानकारी लेने के लिए आपको मेरा चैनल देखना पड़ेगा। ऐसी मैंने बहुत सारी कंपनीज के बारे में बताया हुआ है, एक फेमस कंपनी के बारे में बताया हुआ है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स पे। अब आपको कंपनी का नाम पता लग गया, सबसे पहला काम आपको रिसर्च में करना है MCA की वेबसाइट विजिट करनी है। MCA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये वो मिनिस्ट्री है जो कंपनीज को अथॉरिटी देती हैं रजिस्ट्रेशन की। ये वो वेबसाइट है या वो मिनिस्ट्री है जो आपको बताती है कि ये पर्टिकुलर कंपनीज इंडिया में लीगल है या नहीं है। जो रजिस्टर्ड कंपनी आपको वहाँ पे मिल जाएगी वो आपको लीगलिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी।
आप कंपनी का नाम सर्च करके एमसीए की वेबसाइट पे गूगल करेंगे, एमसीए की वेबसाइट मिलेगी, उसमें आप मास्टर डेटा को सर्च करेंगे तो आपको फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी में कौन सी कंपनी वहाँ पे है। नियर अबाउट 486 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रजिस्टर्ड है एमसीए के अंडर में। कुछ कंपनीज पे एलिगेशन चल रहे हैं, कुछ कंपनी पे केसेस चल रहे हैं, कुछ कंपनी छोड़ के जा चुकी हैं, मतलब कुछ बंद हो चुकी हैं जब से वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई, फिर 28 दिसंबर 2021 को इसका लॉ आया, उसके बाद से एक तरह से रेक्टिफिकेशन हुई है। जो कंपनी आज बची हुई हैं उनमें किसी में भी कोई अगर एलिगेशंस वगैरह है तो उस पर भी केसेस चल रहे हैं, आगे बातें चल रही हैं, मिनिस्ट्री उसको चेक कर रही है, उसमें ऑडिट्स चल रही हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मास्टर डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंपनी का नाम। आपको लाइफ में अगर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, बिना जाने प्रॉपरली कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आप डिस्कस करने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट सेलिंग करने वाले हैं, क्या आप उसमें प्रमोशंस करने वाले, बिना जाने कभी भी ज्वाइन मत करना। देखो दो तरीके हैं। एक, अगर कोई कहता है ये आपका खुद का बिजनेस है तो आप ये समझ जाओ आपको अपना एमसीए के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहली चीज। यानी मान लो आप कोई फ्रेंचाइज खोल रहे हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, ठीक है, उनका एक कॉम्बो बना के आप अपनी एक कंपनी ओपन करेंगे। वो LLP हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, वो प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है जो एमसीए के अंडर में रूल्स में आता है। वो आपको आपका CA CS इन सबसे पता लग जाती है डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही इफ़ इन केस, तो दैट मींस आप नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन करने जा रहे हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको प्रोडक्ट जो प्रमोट करने हैं। बेसिकली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स को अवॉइड करती हैं और वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो और जाके कहीं ना कहीं उसको सेल करो, और उनकी सेलिंग पे आपको कमीशन दी जाती है। इसी कमीशन को कहीं ना कहीं बिजनेस बोला जाता है। इससे कंपनी जो होती है उसका बिजनेस भी चल पड़ता है और आपको भी कमीशंस मिलती हैं, प्रॉफिट्स अर्न होते हैं, तो एक तरह से वो भी आपके लिए एक बिजनेस हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है, क्या आप कंपनी रजिस्टर करवाने वाले हो या नहीं करवाने वाले। करवाने वाले हो तो एमसीए के ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, आप सामने वाले को कह सकते हो कि मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी या सीए इन सबसे बात करूंगा, या मैं कोई ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, उनसे बात करूंगा, या आप मुझे बात करवा के दो किसी से प्रॉपरली कंपनी सेक्रेटरी हो जो आपको रजिस्ट्रेशन करा के देगा, तो फाइन, दैट्स इट। नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है। कंडीशन कौन सी है, जब आपको कंपनी का नाम नहीं पता। कंपनी का नाम पता है तो आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाता है, आप गूगल करो, यूट्यूब करो, किसी और प्लेटफॉर्म पे करो, एमसीए की वेबसाइट देखो, आपको सारा कुछ चार्जेस वार्जेस सब कुछ डिटेल मिल जाएगी एमसीए की वेबसाइट पे। नेक्स्ट स्टेप, अगर सामने वाला आपको बोल रहा है ना कि एक पैन कार्ड पे, यानी पैन कार्ड आधार कार्ड एक तरह से KYC हो गया, नो योर कस्टमर। KYC मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है आपको एंट्री करने टाइम KYC करना है। कंपनीज भी जॉब के टाइम में कंपनीज भी आपको KYC करके देती हैं। अगर आपको ध्यान हो PF के टाइम KYC होता है, बैंक अकाउंट के टाइम KYC होता है, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को भी KYC करना होता है। तो यहाँ पे आपको KYC के टाइम अगर एक पैन कार्ड पे सामने वाला बोलता है कि आपको 10-15 ID बनाने दी जाएंगी, यहाँ पे लगती हैं IDs बनती हैं, पैसे के बेसिस पे आपकी IDs बनती है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो IDs बनती हैं, एक पैन कार्ड पे एक ही ID होगी, ये आपकी मोबाइल की सिम नहीं है कि आप एक आधार कार्ड पे आप 7-8 सिम ले लोगे, जितनी भी पर्टिकुलर जो अलाउड होती हैं, जैसे जियो की सिम 8 भी होती है, 9 भी होती है एक आधार कार्ड पे। तो ये नहीं है कि यहाँ कोई सिम नहीं है कि आपने यहाँ पे एक पैन कार्ड दिया और 10-10 ID उठा ली, ऐसा नहीं होता। एक पैन कार्ड मीन्स एक आईडी होती है जो वहाँ पे रेफरल आईडी आपकी बनती है, और वो बनती है रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो दूसरा मेन पॉइंट हो गया कि रजिस्ट्रेशन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी रजिस्ट्रेशन के कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर कोई भी आपको, आपका दोस्त या रिलेटिव कोई भी आपको कह रहा है कि भाई साहब लाइसेंस फीस बनेगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस है, ये फीस है, वो फीस है, फलाना ढिमकाना फीस लगा के बोलता है आपको, कोर्ट के पेपर्स, ये पेपर्स, वो पेपर्स, अगर ऐसी कोई बातें आपको बोली जाती हैं
तो आप डाउटफुल हो जाओ। दुनिया कहती है डाउट में नहीं रहना, बट आप डाउटफुल हो जाओ कि वो बिना बताए आपको MLM कंपनी ज्वाइन करवा रहा है, पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद डाउटफुल हो के आपको क्वेश्चंस करने हैं कि ये कौन सी फीस है, मुझे प्रॉपरली दिखा। वो स्टैम्प पेपर भी अगर आपके सामने लेके आता है ना, तो आपको उसको प्रॉपरली सर्च करना है, रिसर्च करना है। आप अपने लॉयर पे जा सकते हो या किसी और रैंडम लॉयर पे जा सकते हो, पेरेंट्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, किसी के फादर मदर कोई लॉ में होंगे, उनसे वो स्टडी करवाना है। कुछ आपको पॉइंट्स आ रहे हैं स्टडी तो दैट्स फाइन, बट आप स्टडी किसी से करवाओगे वो आपके बेनिफिट्स के होंगे, आप उससे बच सकते हो। कोई भी कभी लीगल एग्रीमेंट कभी भी ऐसे साइन मत कर देना हवा में उड़ के, कोई ट्रस्ट बेसिस पे कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको करना है वहां पे प्रॉपरली उसका स्टडी करना है। तो आपको ये पॉइंट सेफ हो गया आपका कि रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, जितनी भी फीसें बोली जाती हैं वो आप CS जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो आपको बता देता है सब कुछ। तो आप अपना भी चूज कर सकते हो, सामने वाले को बोल सकते हो भाई मैं अपना कंपनी सेक्रेटरी से बात करूंगा, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, तू मुझे काम बता, ठीक है। अब आपके लाख बार पूछने पे काम कोई नहीं बताता कि करना क्या होगा। अगर आपके मुंह पे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये डाउट गड़बड़ आपके अंदर है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही प्रोडक्ट सेलिंग है। प्रोडक्ट बिकेंगे तो कमीशन मिलेगी, बिजनेस होता है प्रोडक्ट्स की डीलिंग, सर्विसेज की डीलिंग। तो अगर वो माइंड में आपके नहीं है तो ये आपका थॉट प्रोसेस गलत है। इसमें सामने वाले से ज्यादा गलती आपकी खुद की है, ठीक है। तो बिजनेस का क्लियरली मतलब है प्रोडक्ट सर्विसेज का सेलिंग, बेचना, उसमें प्रॉफिट्स को अर्न करना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पैन कार्ड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स चेक करने। आपको कहना है भाई जो कंपनी में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ मुझे उसकी वेबसाइट दिखा, मुझे ये बता उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या कॉस्टिंग है, किस तरीके से सेल होंगे ये बता, रेफर कैसे करना होगा, बेसिक सी फॉर्म में आप ये पूछेंगे। उसके बाद कंपनी का पूरे इंडिया में एक फिजिकल ऑफिस है कि नहीं, मिनिमम वन, ज़्यादा हो तो चलेगा बट मिनिमम वन ऑफिस चाहिए, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, कोलकाता में हो, मुंबई में हो, कहीं भी हो, पूरे इंडिया में एक फिजिकल ऑफिस चाहिए जहां उनका वेयर हाउस होगा, वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स शिपमेंट होंगे आपके घर पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बेसिस पे वो घर पे आएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, मिल रही है देखने को, आपका सामने वाला प्रेजेंटर आपको बता रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं बता रहा फिर से आपको डाउटफुल होना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए आप प्रोडक्ट्स के उसके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं। अगर सामने वाला आपको ये कहता है बिजनेस हम प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करने आए थे, हम सिर्फ करने आए थे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि कंपनीज का प्राइमरी मोटिव होता है प्रोडक्ट्स को सेल करना, और वह प्रोडक्ट सेल कराते हैं पहले एज अ कंज्यूमर आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, तो आपके बेनिफिट का प्रोडक्ट होगा तभी तो आप उसको प्रमोट कर पाएंगे, तभी तो आप उसको रेफर कर पाएंगे। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट सामने दिख रहे हैं मुझे उन्हीं में से मुझे चूज करना है, और वो प्रोडक्ट कहीं और सेल नहीं होना चाहिए, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो प्रोडक्ट कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्हीं के पास मिलने चाहिए, वो किसी और कंपनी के पास नहीं होने चाहिए। इस चीज़ की श्योरिटी आपको लेनी होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की बात आ गई, वेबसाइट की बात आ गई, फिजिकल एड्रेस ऑफिस की बात आ गई, लास्ट और सबसे मेन जो बात आपने पूछनी है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसकी रिफंड पॉलिसी है कि नहीं। क्लियर स्ट्रेट वर्ड्स में पूछना है रिफंड पॉलिसी है या नहीं है। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हुई तो उसकी रिफंड पॉलिसी 30 डेज की मैंडेटरी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये मैंडेटरी है जो डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स में लिखा गया है साफ साफ। सारी चीज अवेलेबल है, गूगल करेंगे तो आप, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कुछ ऐसा लिंक्स डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेन ऐसे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि आप फ्रॉड स्कैम से बचने वाले हो, किस तरीके से बचने वाले हो। अगर आपने इनको स्टडी कर लिया तो आप फ्रॉड स्कैम में कभी नहीं पड़ोगे। इनफैक्ट जो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, जबरदस्ती आपको धकेला जा रहा है, आप उससे बाहर आ जाओगे।
मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी आपको बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कंपनी का नाम बताए, बिना नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल बताए काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे के आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को बचाने की। अगर कोई भी कंपनी आपके माइंड में है जो फ्रॉड कर रही है, उसका कमेंट सेक्शन में आपको नाम लिखना है ताकि दूसरे लोग बच सकें, ठीक है। उसके बारे में कुछ और भी आप लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट्स को इतना भर दो कमेंट्स में वो कंपनी से कि दूसरे लोग अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो वो बच पाए, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।